नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 93 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुबह सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। लोगों ने घर से निकलकर ही सीधे पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। मतदान के दिन अहमदाबाद में मौजूद रानिप का 117वां नंबर पोलिंग बूथ काफी चर्चा में बना हुआ है। इसकी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी आज रानिप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यहां उन्होंने लाइन में खड़े होकर लोगों के साथ वोट डाला है। रानिप के 177 नंबर पोलिंग बूथ पर माहौल किसी त्योहार से कम नहीं है और सुबह 8 बजे ही मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें देखने को मिली। वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वोटर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी खुशी थी और कुछ वोटर्स तो ऐसे हैं जो सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे और कुछ का कहना था कि वो पीएम के वोट डालने के बाद ही अपना वोट डालेंगे। पोलिंग बूथ पर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं और लोग नाच गाकर लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरातना मतदारोनो पण गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम समाज को जागरूक करने में वृद्धजनों की बड़ी भूमिका होती है और आज यूपी और गोरखपुर विकास और सुशासन के जिस नीत नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है उसमें प्रबुद्ध जनों द्वारा जन जागरण से जुड़ने की भूमिका का निर्वहन किया गया और उसी का परिणाम है कि देश में यूपी की छवि बदली है और यूपी बीमारू राज्य से हटकर विकसित राज्य की तरफ होते हुए नंबर एक अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार करता है तो आने वाले समय में नौकरी रोजगार के लिए नौजवानों को दूसरे प्रदेश और देश नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वहां के लोगों को यहां आना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर 950 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। बता दें आपको कि मैनपुरी उपचुनाव की वोटिंग को लेकर पत्र लिखा गया है। पत्र में स्थानीय पुलिस के संदिग्ध भूमिका को बताया गया है। बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने और भूमिका अदा करने का आरोप लगाया गया है और शिवपाल ने कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं और प्रशासन अपना दमन चक्र क्रूरता से चला रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से हमारे सहयोगी रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पूरा मामला क्या है? मैनपुरी लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है और जो है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाए हुए हैं। इस दौरान जो है शिवपाल यादव कल जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह शिकायत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के द्वारा उनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। उनके मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को जो है वोट ना करवाने की जो है प्रशासन के द्वारा दबाव बनवाया जा रहा है और आज सुबह 7 बजे से जो है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सीट पर
उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है चुनाव आयोग से पल पल की शिकायतें कर रही है और चुनाव आयोग भी लगातार इस पर एक्शन लेकर कार्रवाई की उन्हें उम्मीद दे रहा है। बिल्कुल रोहित, क्या इस पर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? चुनाव आयोग को इस बात की शिकायतें की जा रही हैं, हालांकि देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चुनाव आयोग पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दोनों ही चुनाव आयोग से शिकायतें कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की शिकायतें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी जो है चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए पूरा चुनाव जो है प्रशासनिक और सरकारी अमले के द्वारा करवाए जाने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनके द्वारा भी अभी यह कहा गया है कि यह चुनाव पब्लिक नहीं, यह चुनाव जो है सरकार और प्रशासन लड़ रहा है, उनके मतदाताओं और जो है उनके कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशासन की ओर से उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बात को लेकर उनको जो है 2024 के चुनाव को लेकर उनको जो है सीट मिल गई है और विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए 2024 के चुनाव के लिए कि आगे हम कितनी बड़ी शक्तियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीमती सावस्त्री कठेरिया इटावा जिले के सेफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतदान प्रभावित करने में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाया और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हुए सक्रिय। शिवपाल सिंह यादव बताते हैं कि सावित्री कठेरिया बाहरी हैं, इसके बावजूद भी सेफई इलाके के कई गांव में घूमकर मतदान प्रभावित कर रही हैं और इन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि सावित्री कठेरिया की भूमिका को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है। रोहित सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित सिंह, शिवपाल सिंह यादव हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं और पत्र को लेकर भी बातचीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर से एक कठेरिया को लेकर सवाल उठाया है, क्या पूरा मामला? तो आपको बता रहे हैं इटावा से खबर है जहां पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाए हैं। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया इटावा जिले के सेफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतदान प्रभावित करने में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाया है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हुए सक्रिय। शिवपाल सिंह यादव बताते हैं कि सावित्री कठेरिया बाहरी है, इसके बावजूद भी सेफई इलाके के कई गाँव में घूम करके मतदान प्रभावित कर रही हैं और शिवपाल सिंह यादव ने सावित्री कठेरिया की भूमिका को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा और प्रतिनिधि मंडल शाम में अचानक पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन सपाई नहीं माने। उसके बाद ही एसपी थाने में जाकर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया और कुछ भी गलत नहीं होगा ऐसा भी कहा गया। देखिए, रामपुर की पुलिस चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा गहरा षड्यंत्र कर रही है और अभी भी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारे वर्करों के घर पुलिस जा रही है और अफसोस की बात यह है कि रात 2 बजे मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट आसिम खान साहब का मकान गैरसिफुद्दीन खां में है, थानागर से थोड़ी दूरी पर, रात 2 बजे उनके घर पुलिस गई, बड़ी तादाद में दबिश दी। उन्होंने ये बताया कि भाई मैं चीफ एजेंट हूँ, आप हमारे यहाँ और उम्मीदवारों को भी आप घेरने लगे और इस तरह परेशान कर रहे हैं सारे वर्करों को, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन ये बात जब बताई तो वो चले गए। हम एसपी साहब से आज मिले ये शिकायत लेकर, लेकिन जैसे ही हम मिलकर घर पहुँचे हैं तो थाने बैठ के बात करते हैं कौन कहाँ बैठाया गया है कि नहीं, किसी भी शिकायत का एक समाधान होगा ना। तो अब ऐसे सड़क पर बैठने में तो अच्छा नहीं लगता है ना, अब लोग कौन कहे मानना चाहिए, ठीक है। पर इनका ये कहना था कि थाने में बैठे, मैं थाने ही जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ, आई एस्योर ऑल ऑफ यू, आप भी इनसे बात कर लो, अगर ये कोई पर्टिकुलर चीज़ बताते हो तो निदान करें। अब ये कहना है कि मिलिट्री लगा दो भाई, तो अच्छा नहीं लगता ना, क्या संभ्रांत लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आप इनको बताइए। मैं फिलहाल कोतवाली सिविल लाइन और तीनों थाने में जा रहा हूँ।
थैंक यू, ऐसा करते ही नहीं होने। अलीगढ़ के ईसाई कब्रिस्तान के बाहर शराब पीने के विरोध पर हंगामा हुआ है। बताते चले कि महिला ने शराबियों की पिटाई कर दी है। वहीं पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी शराबी कब्रिस्तान के बाहर आतंक मचाते हैं, और इतना ही नहीं शराब पीकर स्थानीय महिलाओं से छेड़छाड़ भी किया करते हैं, जिसके चलते पीड़ित महिलाओं ने शराबियों की जमकर धुनाई की है। पूरा मामला जो है वो थाना सिविल लाइन क्षेत्र के SSP ऑफिस के निकट की बताया जा रहा है, जहाँ से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शराबियों की पिटाई का मामला सामने आया है। यूपी के फतेहपुर में प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही कोयला लेकर मालगाड़ी के बोगी में धुआं निकलने देख रसूलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मी ने मालगाड़ी के लोको पायलट को दी, और इसके बाद ही सूचना उसको दी गई और फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोककर फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर बोगी में लगी आग बुझाने का काम किया है। कोयला लदी मालगाड़ी के बोगी में आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया है, और फायर ब्रिगेड टीम ने हरीश चंद्र यादव ने बताया है कि मालगाड़ी में कोयला लदा है और उसी के एक बोगी में आग लगने की जानकारी पर आए थे, और मालगाड़ी के लोको पायलट राजकुमार ने बताया है कि प्रयागराज में GMC तक कोयला लदी मालगाड़ी लेकर जा रहे थे, तभी इंजन से 12 नंबर बोगी में धुआं निकलने की सूचना पर फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाड़ी में कोयला लदा है, उसमें आग लगी हुई है, तो हम लोग आज पौन घंटा हो गया है जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और गाड़ी जब तक जो है या तो आगे बढ़े या तो बैक आए तभी आग बुझ पाएगी। वहाँ जाने के जहाँ पर बोगी लगी हुई है वहाँ पर रास्ता नहीं है। तो ये मालगाड़ी कब खड़ी हुई है? 10-15 मिनट हो गए जी। क्या नाम है आपका? हरीश चंद्र यादव। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, क्या है पूरा मामला, आग पर किस तरह से काबू पाया गया? जी मैं बता दूं कि फतेहपुर जिले के रेलवे स्टेशन का है, जहां से कानपुर की ओर से फतेहपुर आते समय मालगाड़ी में डिब्बे में कोयला की गाड़ी थी, उसमें आग लगी हुई थी, धुआं निकल रहा था, जहां पर मौके पर सूचना पर फायर ब्रिगेड व मौके पर GRP पहुंचकर आग पे काबू पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच करके आग कोयले के ऊपर बराबर पानी का छिड़काव करते हुए आग पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही फतेहपुर जिले से गाड़ी को GRP पुलिस के माध्यम से जब तक उसकी आग निकल रही थी आग को बाहर करने बुझाने के बाद ही फतेहपुर जिले से गाड़ी को रेलवे स्टेशन से बाहर किया गया है। जी बबलू, कुछ कारण साफ हो पाया है आग किस कारण लगी अभी? जी ये दूर से मालगाड़ी लेकर मालगाड़ी आ रही थी और कहीं ना कहीं ये किसी प्रकार के कुछ गर्म की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है, तो इस वजह से जैसे सूचना मिली है GRP पुलिस फतेहपुर को, वैसे ही फतेहपुर रेलवे मुख्यालय रेलवे स्टेशन के बाहर रोकने के बाद GRP गाड़ी और फायर ब्रिगेड को फोन करने, फायर ब्रिगेड पहले से मौजूद थी और वहीं पे जैसे आई है थोड़ा सा गाड़ी आगे करने के बाद उसकी आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया, उसके बाद ही गाड़ी को रवाना किया जाएगा। जी बबलू, इसमें कितना नुकसान हुआ है, इसका कुछ साफ हो पाया अभी तक? नुकसान तो अभी आंकलन नहीं किया गया है, न तो अधिकृत पुष्टि हुई है, पर लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही थी जैसे कि हुआ है, पर हुआ है। कुछ समय निर्धारित था कि किस समय आग लगी है बबलू? ये जानकारी वो नहीं पाई थी कि ये कब आग लगी, बस ये सूचना मिली थी कि इसमें धुआं निकल रहा है। जी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है बबलू? आग पर काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो फतेहपुर से आपको खबर बता दें, जहां पर कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में जहरी ट्रेन बताया जा रहा है जिसमें यह आग लगी है, और वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ज़्यादा इसमें नुकसान होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है, और ये भी जानकारी है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
श्रावस्ती में बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंद दिया है और जिसके चलते ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के कटरा बाईपास का ये पूरा मामला है जहाँ पर घटना की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में ही ये घटना हुई है और बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा है और बाइक सवार की मौके पर ही मौत भी बताई जा रही है। बता दें आपको कि आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और वहीं पर हादसे के बाद भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं और पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो श्रावस्ती से खबर है, श्रावस्ती में बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंद दिया और जिसके चलते ट्रक की टक्कर से ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक चालक जो था मौके से फरार हो गया और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। बताते चले आपको कि पूरा मामला जो है नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के कटरा बाईपास का बताया जा रहा है। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और वहीं प्रारंभ पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। जनपद मैनपुरी में 1756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है, केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है, क्या है पूरा प्रोसेस? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद लोकसभा के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां पर पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वही आपको मैं बता दूं, जनपद मैनपुरी में 1756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है और केंद्रों पर भारी पुलिस बल मौजूद है। वही आगरा आईजी लगातार पोलिंग बूथ चेक कर रहे हैं, लगातार पूरा पैरा मिलिट्री के साथ मौके पर घूम रहा है। अरुण, सुबह कितने बजे से मतदान शुरू हो गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या वहां पे इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही वहां पर महिलाएं पुरुषों की कितने भागीदारी देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग जनपद मंत्री में लोग 7 बजे से मतदान चालू हो गया, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और महिलाएं और पुरुष काफी उत्साह लोगों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं और पोस्ट की पूरी व्यवस्था है, जैसे पहला मिलिट्री पुलिस भी तैनात है, कई सेक्टर मजिस्ट्रेट है, कई जो है मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल मौजूद है। जी अरुण, जिस तरह से ठंड का समय है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मतदाता जो है वो कम आ रहे हैं ठंड की वजह से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता है सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक तो थोड़ा कम आए हैं, लेकिन 9 बजे के बाद जैसे वोट निकली है वैसे ही महिलाओं पुरुष लगातार लंबी लंबी लाइन कटा रही है, तो वोट डालने आ रहे हैं। काफी उन्होंने उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी लोग खुश हैं। जी जी, मतदाता की कोई शिकायत तो नहीं है, वोटर कार्ड में नाम ना हो ऐसे कोई शिकायत तो नहीं आ रही है वहाँ से? नहीं, अभी तक तो फिलहाल में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जैसे लेकिन जैसे आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, वोटर कार्ड मांग रहे हैं, हालांकि पार्टी के द्वारा वोट डालने जा रहे हैं और ऐसी अभी तक तो फिलहाल में कोई शिकायत नहीं है। जी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है अरुण? जी बिल्कुल, सुरक्षा की जो बात की जाए तो आज ही आगरा से लेके आस पास के जिले का जो फोर्स है, बड़े बड़े अधिकारी है जो लगातार एडी से लेके हर सर्किल के फोर्स मौजूद है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वही जनपद मैनपुरी का पूरा मार्केट बंद कर रहे हैं, पुलिस ने छावनी की तरह मैनपुरी में तब्दील कर दिया है। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको मैनपुरी से खबर बता रहे हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। वहीं प्रारंभ पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। जनपद मैनपुरी में 1756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है और केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। जनपद सहारनपुर में नक्कुड़ रोड पर मौजूद उनाली गांव के समीप बोलोरो जीप ने बाइक सवार को
पीछे से टक्कर मार दी और जिसके चलते बाइक सवार एक युवक और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दुर्घटना में दो बच्चे भी घायल हुए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, टक्कर मारने वाली बोलेरो गाड़ी पर उत्तराखंड नंबर प्लेट है जिस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में 3 सरकारी कर्मचारी बताए गए हैं और ये 3 सरकारी कर्मचारी शराब के नशे में धुत थे और तभी सभी मृतक जंधेड़ी गांव के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सदस्य थे जो किसी शादी समारोह में अपने घर वापस लौट रहे थे। तो सहारनपुर से खबर है जहां पर एक युवक सहित 2 महिलाओं की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी है। आपको बता दें कि बोलेरो कार और बाइक की ये टक्कर हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर से खबर है और आपको बता दें कि जिसमें 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं और जिस दुर्घटना में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं और जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर मारने वाली बोलेरो गाड़ी पर उत्तराखंड नंबर प्लेट है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। वहीं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मृतकों को अस्पताल पहुंचाया जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। सीतापुर के जिला अध्यक्ष रईस अहमद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सीतापुर में मिशन मोदी अगेन पीएम की कार्यकारिणी की बैठक की गई और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हलीम ने बताया कि आज मेरा सीतापुर में आना इसलिए हुआ क्योंकि सीतापुर की कार्यकारिणी टीम के साथ बैठक की 2024 को लेकर चर्चा की। वही मदरसों के ही स्कॉलरशिप को लेकर बताया कि स्कॉलर सरकार ने इसलिए बंद किया है, उन लोगों को सीधा लाभ नहीं मिलता था और अब स्कॉलर की बजाय मदरसों को डबल किया गया है। और वहीं 2024 को लेकर भी अपनी कार्यकारिणी से चर्चा की और बताया अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बीजेपी को अभी 5% जाता है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहता हूं कि बीजेपी को 50% वोट देने का काम करें। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। हमारी तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से दी जा रही है और पिछली सरकारों में जो अल्पसंख्यकों को सुविधाएं दी जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा सुविधाएं जो है बीजेपी की सरकार में दी जा रही है। इस बार वजीफा भी अल्पसंख्यकों को बंद कर दिया गया तो इसमें कितना आपको अच्छा लग रहा है? दरअसल वजीफा जो है तो सही तरीके से पहुँच नहीं रहा था बच्चों के पास जी, बीच में ही बिचौलिया उसको खा जाते थे इसलिए इसको समाप्त किया गया है जी। वही पैसा जो है मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए लगाया जा रहा है, मदरसों का सर्वे किया जा रहा है जी। जिस मदरसों की गुणवत्ता सही नहीं है मदरसों को जो है वो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाए जी और उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। आगे क्या रणनीति है आपकी 24 में? 24 में रणनीति हमारी ये है कि जो अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जी आए हुए हैं और हम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जी। मोदी जी के साथ पूरा अल्पसंख्यक समाज जी, जी हमारे हिसाब से 24 में क्या उम्मीद है, कितनी जनता को लेकर के आप मोदी जी को यहाँ पर अल्पसंख्यक जी 70% का वादा कर रहे हैं। 70% आप सीतापुर से मोदी के झोली में वोट डालेंगे। आपका नाम? रईस अहमद। और इसी खबर पर हमारे साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, अब्दुल हलीम ने बड़ा बयान दिया है। जी बिल्कुल, देखो बताना चाहूंगा कि सीतापुर में आगमन हुआ और उन्होंने एक बैठक की, बैठक में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो 5% जाता है और मैं इसलिए बैठक कर रहा हूं कि यहां की जो जनता है वो 50% वोट कम से कम मोदी को देने का काम करे जो कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को बनाया जा सके जी। जैसे कि देश जो ये बताया जा रहा है कि इनको लेकर बयान दिया गया है जिसमें 50% वोट देने की भी बात कही जा रही है, पूरा मामला क्या है शिवराज, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए ये सीतापुर पहुंचे थे जो अब्दुल हमीद जी हैं प्रदेश पीएम मिशन के जो, तो उन्होंने सीतापुर में एक बैठक की, बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने एक कार्यकारिणी की बैठक की है और एक नई टीम गठित कर रहे हैं जिससे लोगों को जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और उनको सारी योजनाओं के बारे में बताया जाए जी।
उसके बाद अब शिवराज, जैसे इसमें बताया गया है कि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, उसके बाद बवाल होता भी दिखाई दे रहा है बयान पे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके के बयान से जुगर विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं इस पे कटाक्ष करेगा। जी, सीतापुर में मिशन मोदी अगेन पीएम की जो कार्यकारिणी बैठक थी, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है शिवराज? इस बैठक में कार्यकर्ता और जो जनता थी वो काफी मात्रा में यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई और उनकी जो अगुवाई में बैंड बाजे के साथ अगुवाई हुई और उनसे बात की गई, तो इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई कि आने वाले 2024 में 50% वोट जो है अल्पसंख्यक समुदाय का, जो मुस्लिम समुदाय है, उसका पीएम मोदी को जाना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने आग्रह किया है। जी शिवराज, इसमें मदरसों के स्कॉलरशिप को लेकर भी बात की गई है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मदरसों को लेकर उनसे बात की गई कि मदरसों का स्कॉलर जो बंद हो गया है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मदरसों का जो स्कॉलर है वो इसलिए बंद किया गया है कि सीधे तौर पे उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा था, बिचौलिए बीच में ही इसको खा जाते थे और इसी को लेकर वो बंद किया गया। मदरसों का सर्वे चल रहा है और जहाँ पे मदरसों की जो स्थिति है डाउन है, उनको दुरुस्तीकरण का भी काम किया जा रहा है। जी शिवराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।